अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान और वेलकम करता हूं आपको टीम पाकिस्तान न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। तो बहुत बड़ी अपडेट आज की है फ्लाइट्स के मुतल। पाकिस्तानी इस हवाले से बहुत परेशान थे कि कब सऊदी अरब की फ़्लाइट्स बहाल होंगी और कब हम सऊदी अरब ट्रैवल कर सकें। तो इस हवाले से जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं बिलाल अकबर, जो कि सऊदी अरब में सफ़ीर हैं पाकिस्तानी, उन्होंने एक अपडेट दी है। कौन सी अपडेट दी है इस हवाले से वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस न्यूज़ चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो न्यूज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली हर न्यूज़ सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान पर पाबंदी लगी हुई है अभी तक और बहुत कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो सबसे कोशिश में पाकिस्तान के लिए फ्लाइट बहाल की जाए। पाकिस्तान में वजारत खारजा आए थे सऊदी अरब, उनसे भी यही बातचीत की गई, लेकिन आज ट्विटर पर एक बंदे ने जो मेंशन किया हुआ था बिलाल अकबर साहिब को, उनको कहा गया कि प्लीज़ बहुत हम परेशान हैं कि हमारे लिए पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की फ़्लाइट्स बहाल करवाई जाएँ। लेकिन जो आगे से ट्वीट आया बिलाल अकबर की जानब से वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। तो उनकी जानब से ये कहा गया, बिलाल अकबर की जानब से ये कहा गया था कि हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं लेकिन दोस्त मान नहीं रहे, क्योंकि सऊदी अरब हमारा दोस्त ममालिक है, बहुत ज़्यादा हमारे इसके साथ ताल्लुकात हैं। तो अभी तक सऊदी अरब हुकूमत जो है वो अभी तक इस बात पे एग्री नहीं हो रही कि हम पाकिस्तान के फ्लाइट्स बहाल करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत जल्द उम्मीद ये जाग रही है कि पाकिस्तान के लिए बहुत जल्द अगस्त के महीने में ही 13 या 14 अगस्त को पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट्स बहाल कर दिए जाएंगे। ये अभी तक अपडेट सामने आ रही है लेकिन ऑफिशियली तौर पर ऐलान नहीं किया, जैसे कोई ऑफिशियली तौर पर ऐलान होगा आप लोग सर शेयर कर दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह।